हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ में अगर कभी भी कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। अब इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर आप टैप करेंगे तो इससे आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।